देखते रहिए वीएन 08 न्यूज़। छत्तीसगढ़ बालोद से रमेश चेलक की रिपोर्ट। विधायक की पहल से देवरी बंगला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध हुआ 108। बालोद जिले के आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र डोंडी लोहारा ब्लॉक में अंतिम छोर के ग्रामीणों के लिए ये एक अच्छी बात है कि अब उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी बंगला से भी संजीवनी 108 की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी क्योंकि देवरी में भी बड़ा अस्पताल है जिससे आसपास के 90 से ज़्यादा गांव से मरीज आते हैं। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देहरी के लिए 108 वाहन एम्बुलेंस की बहुत दिनों से यहाँ प्रतीक्षित मांग थी, जो आज विधायक जी के अथक प्रयास से हमको ये 108 एम्बुलेंस प्राप्त हुआ है। इससे हमारे क्षेत्र के आम जनता क्षेत्र के जनता के बहुत प्रतीक्षित मांग रही कि देवरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 होना चाहिए। हम लगातार इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के नाते स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला कलेक्टर से लगातार चर्चा में संपर्क में और जिला कांग्रेस की मीटिंग करते हैं, साधन मिशन पूरा सुधार कर दिया और साथ ही मदद का साथी है। देखकर मन की पीड़ा रिस्की देवरी हमेशा सुप्रेक्षित रहते और एला जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिले तो हम फिर एक शुरुआत करें कि नहीं, एक शुरुआत कहाँ से होना चाहिए। सबसे पहले हम फोकस करें कि अपन स्वास्थ्य सुविधा और पहली विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक विकासखंड डोंडी लोहारा। हमारे विकासखंड डोंडी लोहारा में लगभग 2,20,000 की आबादी है, इसके लिए कई सालों से देवरी जो क्षेत्र अंतर्गत 108 की मांग थी, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण एक 108 पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, तो जिसके लिए लगातार प्रयास किया गया था और हमारे विधायक महोदय के मार्गदर्शन में पिछले एक महीने से हम लोग बहुत ही तीव्र गति से इस प्रयास में लगे थे कि 108 हमको मिल सके। तो आज आप लोगों ने देखा कि 108 का उद्घाटन किया गया है और ये लगभग पूरे हमारे चार एरिया जो जिसमें हमारा देवरी क्षेत्र हो गया, नांदा क्षेत्र हो गया, सूर्यगांव क्षेत्र और अछोली, इस चार सेक्टर को हमारा 108 कवर करेगी। साथ ही साथ अन्य जैसे लोहारा मान लीजिए कभी वहाँ की गाड़ी की कहीं और जाती है या मंगचुआ क्षेत्र की गाड़ी भौरमरा एरिया में जाना हो कहीं पे भी हो या अन्य हमारे जिले के अन्य किसी ब्लॉक में भी जाना होगा तो गाड़ी कवर करेगी। और 108 का ये रहता है कि केवल एक जगह जिस जगह वहाँ के लिए नहीं, ये सारे पूरे जिले के लिए कार्य करती है। तो हमारी आशा है कि 108 लगातार हम अपनी सेवा देगी और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उतरेगी।